जय जय। अरे ऑल आ बोलावन आपकी है, आ बोलावन आ जिम्मेवारी आपकी है, मैं तो सिर्फ कह सका और के ही वास्ते सका, क्योंकि थोड़ो बहुत तो हालते हक माना आप लोगा पर, जे आप मां पर हक मानो भी है, मैं आप पर हक माना, तो आप लोग ने आप पार पढ़ानी है। पिछली बार ए भाजपा के समर्थन हुआ जना है 2 लाख वोटों जीत और पुग्या संसद, अब की बार आपा ने कांग्रेस के साथ है, आपा ने आने 4 लाख डबल तो करना पड़ी ना, तो फिर नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी में फर्क कहीं रही, तो बस 2 लाख थे जिता दो 4 लाख जिताना, तो अब की बार 19 तारीख ने आपा ने सुबह सुबह बढ़िया खंगोली खार पूछ जाना है पोलिंग बूथ पर और आउट देख लेनो है, 3 नंबर माते है बोतल, वो अब की बार बल्लो फिर 4 पर आई गो है, बा आटी बोतल को नहीं वो बल्लो है 4 पर जको है, तो बिंगो ध्यान रख दो और ज्यादा ज्यादा संख्या में मतदान कराना है आपने, और आ दोनों की जिम्मेवारी है। अब आप अलग अलग को नहीं है, पहली राड़ोपा वाला कांग्रेस वाला यूं मिनिया जो लड़ दी जाता है ना वो बांध रो, बीच में 10 साल तक राज कर लियो है आपा लड़ीसता ही वास्ते, तो अब की बार आपा ने एक दूसरा वास्ते वोट डलवाना है, कांग्रेस ने आरएलपी का डलवाना है, आरएलपी ने कांग्रेस का डलवाना है, सबने एक दूसरा की मदद करनी है। बहुत आसान है, आपने खुद को वोट सबू पहला डाल दिया 19 तारीख में, फिर राम रामी कर जका आवे बांगा वोट डलाना है, और फिर जे फिर भी कोई बच्चा वे तो आपा ने घरों भी पोलिंग करवानी है, लोगा ने प्रेरित करना है कि पोलिंग बूथ वोट डाले पहला, क्योंकि सब सबसे पहला मतदान फिर जलपान, तो मतदान आपा ने जरूर करना है, ज्यादा ज्यादा संख्या में करवाना है, और आपा ने और निश्चित करना है कि हनुमान जी जीत पुगे ताकि संसद में आपकी आवाज मजबूत हुए, बटी नू कोई आवाज उठाने वाला कोनी है, वे 10 साल वो एक ही काम कर रहा है, कोई काम को नहीं कर रहा है, तो आपने वे मोदी मोदी करने वाली कोनी ले लिया ने वोट कोनी देना, आपने वोट ऐडा आदमी ने देनो जको आपन वास्ते संघर्ष कर सके बटे, जको आपनी बात 750 किसान मरिया, कोई सोई बोलियो गई बटीनू एक ही कौन बोलियो, वो आदमी खड़ो हो मंत्री बन सकतो, मंत्रालय छोड़ रटी ने एनडीए के लाख मार रटी ने आया, किसान वास्ते संघर्ष करियो, 3 कृषि कानून पाचा दिराया, फिर जवाना की जब लड़ाई आई तो जवाना वास्ते एमा के रिटायर्ड फौजी साहब, जवाना की जब लड़ाई आई जद जवाना वास्ते खड़ा होया, अग्निवीर अग्निपथ योजना ले रहा, तो बांके वास्ते भी, और अब की बार तो भाई साहब वादो भी करियो है कि अब की बार आप लोग संसद पुगावला तो अग्निवीर अग्निपथ वालों तो किसो ही खत्म कर दे, तो बटी ने जार लड़ी जना खत्म करी ना, पुगाव जना खत्म करी, तो आपने 19 तारीख ने पोलिंग भारी भारी मतों कर आने जिताना है, ताकि जवाना किसान और किसान का बच्चा जका जवान बने पे भी किसाना का ही बच्चा है, कोई नेता मंत्रियों का बच्चा कोनी है जका बटी ने जावे, तो आपा ने ज्यादा ज्यादा पोलिंग करानी है और हनुमान जी बेनीवाल के समर्थन में मतदान करनो है, आ मारो निवेदन हूँ आप, आ मारी बोलावन ही आपने, आप सब लोग मैंने सुनियो समय दियो, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सब। कालू भाई का मालिक है बे पीड़ू भाई जगह लारे बैठा, बे पुष्कर में गया तो हा माँ कह दियो माने कह दियो मारू लड़ी होगी, रोज रोज मीडिया में बयान देवा के वो तो माने उतरियोड़ी हांडियो कह दियो और ओ है ही को नहीं, तो उतरियोड़ी हांडी में आपने मैं तो सिर्फ कही हो मुन्नू कही हो,
मोदी जी तो आपने बना दियो बट साइड में कुना में पटकियो जटे हांडी को कोरो टकनो टकनो दिख तो हटू और कहीं दिख तो ही कोनी हो तो अरे फोकड़िया मैं वो भी आने 6 फुट की लाठी फोकड़िया और कितनी चाहिए जताने हैं कांग्रेस अनंत जोत है कटे कौन जाऊन वाली कांग्रेस की फूकनी माँ बैठा हटे तो माने कोई लारे हिरका वो कौनी और जकान जाना है मौका परस्त आ चलिया गया आप आपका मौका देखे आप आपका सहूलियता देखी और चलिया गया बटीने बटीने वाला की आपने चिंता करण की जरूरत कोनी आपने तो आपन पर ध्यान देना है दोनों पार्टियां ने मिलकर चुनाव लड़ना है और एक दूसरा वास्ते विचारधाराओं जुड़ लड़ना है क्योंकि आपा किसान कृषि प्रधान पार्टियां दोनों आपा किसाना की कोई गलत बात हो जावे आपा दोनों पार्टियां बर्दाश्त कौन कर सका तो आपा ने कृषि प्रधान अपनी विचारधारा एक रखनी है और एक विचारधारा एक और अपा ने 19 तारीख ने पोलिंग करनी है। अब आगे भी लेट हो तो जावेला ई वास्ते मैं चाहूं अब चेतन जी डूडी साहब आपको संबोधन करे मैंने आप सुनियो बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा जी दौलतपुरा गांव में लोकसभा के प्रत्याशी आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी पूर्व विधायक आपके चेतन जी बड़े भाई साहब मनीष जी सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों माता और बहनों प्यारे बच्चों वैसे सारी बातें तो आपने चेतन जी और हनुमान बेनीवाल जी बताई दी पर जो जी और ओबीसी का लोग आप विराजमान हो छत्तीस कौम का लोग विराजमान हो मैं आपने इतो ही निवेदन करनी चाहूं जो हनुमान बेनीवाल जी के सामने कैंडिडेट खड़ा है एक चीज कह रही है कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखिया ते जितार लोकसभा में भेजो और संविधान ही चेंज कर दे तो मैं आप लोगों एसी और ओबीसी का लोगों निवेदन करनी चाहूं कि जो आरक्षण खत्म कर दे तो एसी वाला लोगों ने तो अपने बाद में कोई पूछे ही कोनी एमएलए एमपी तो बहुत बड़ी बात है अपने सरपंच मंडली कौन बनावे तो हाथ जोड़ मारो आपने निवेदन है आप लोग आरएलपी पार्टी को मजबूत करें और कांग्रेस आरएलपी पार्टी का गठबंधन भी है आरएलपी पार्टी को मजबूत करें हनुमान बेनीवाल जी ने पूरा देश और पूरा राजस्थान जाने आपकी छत्तीस कौम की लड़ाई लड़े आपके वास्ते लोकसभा में आप खुद देख रहे हो कि आपकी बात उठावे किसान की बात उठावे तो आप लोगों ने हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है कि आप लोग आरएलपी पार्टी को मजबूत करें और बोतल का निशान पर बटन दबाए भारी मतों हनुमान बेनीवाल जी को जितावे धन्यवाद राम राम बहुत बहुत धन्यवाद मैं निवेदन करूंगा विधायक चेतन जी डूडी साहब से राम राम साहब आज आपने बीच में एमपी और आबाले पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी भाई हनुमान जी हालात दिन के हिसाब राजस्थान की बदु बदतर होती जा रही है लोग बाग सरकार एक उम्मीद के तहत वोट दिया आकांक्षा और उम्मीद के साथ सरकार चुनी की मांगा काम करी आज दिन तक यहां समझ नहीं आ रही है सरकार ने के लोगों का काम का मोदी जी देश की हालात जगह आप लोगों के सामने कर दी मैं बार लारे कलवाणी में भी कहो कांग्रेस को राज उधर राशन की दुकान पर एक किट मिलते हो जगह में दाल खाबड़ो तेल चाय मसाला इत्यादि देता और अबारा मोदी जी की सरकार राजस्थान में भाजपा की भजन लाल की सरकार आया बाद में राशन की दुकान पर वो थैलो तो बंद को कांग्रेस में देता जगह एक खाली थैलो देबा लागा खाली थे बिम समान की नहीं है खाली एक मोदी जी की फोटो है और हकीकत भी मोदी सरकार की आई है आंकन काम करवाने की नहीं है खाली एक मोदी की फोटो है और प्रचार मात्र कर रहा है कि प्रचार के मोदी जी वो कर दियो वो कर दियो मैं आप लोगों ने पूछना चाहूं कि किसान बॉर्डर पर बैठ गयो
किसान हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर बैठो रही हो, सरकार केंद्र की यान के लिए आई कि हरियाणा के माए घुसबाजी अड़ूनी है, बॉर्डर बढ़ा दिया एक राज्य और दूसरे राज्य ने और किसाना ने आतंकवादी घोषित कर दिया। हनुमान जी बेनीवाल एक यान का प्रत्याशी जका लार ली बार के बामे लोग कह सके कि भाजपा के साके हा गठबंधन करियो, लेकिन जग दिन किसान आंदोलन पर आया बिदिन तुरंत प्रभाव गठबंधन के लात मारी और किसाना के सागे बॉर्डर पर जाट आंदोलन के माए बैठ गए। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच प्रत्याशी के रूप में, मैं ये पूरी की पूरी किसान कौम नागौरिनी अन्यत्र भी हर जगह मैं ये अपनी ड्यूटी और अपना धर्म मानता हूं कि हम सब मिलके हनुमान जी बेनीवाल को ज्यादा से ज्यादा मतों से चुनाव जिताएं। और चुनाव जिताने के पीछे कारण है कि ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो मोदी और अमित शाह से सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, दूसरों की तरह नहीं है। अभी मनीष जी बता रहे थे कि दब गए कोई कारण से, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रखी है उसकी वजह से मोदी जी के पीछे पीछे चले गए। ये सामने खड़े होकर बात करेंगे, आपके और हमारी बात करेंगे, आपके और हमारे अधिकारों की बात करेंगे, किसान कौम की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहे, सिर्फ आई कहनी चाहूं कि चुनाव के माए आप लोग ज्यादा ज्यादा मताऊं, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा चाल पड़ी है पूरे के पूरे नागौर में कि मां की विधानसभा हनुमान जी ने ज्यादा वोट मिली, कोई के मां के मिली। मैं वो वादो कर दियो आऊं कि पूरे नागौर लोकसभा के माए अगर सब ज्यादा घना वोटा की लीड कोई विधानसभा दे तो बा डीडवाना विधानसभा दे, और आप लोग सबने पूरी मजबूती और ताकत राख ई काम के काम में मारो साथ देणु, हनुमान जी बेनीवाल को साथ देणु। बाकी भाजपा का प्रत्याशी है जगह काई कहे काई नहीं कही कमाए मैं नहीं जानी चाहूं, मैं सिर्फ आप लोगों ने आके हूं, ये लोग सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोले। अब 30 तारीख ने ज्योति जी मिर्जा डीडवाने आया जका लोग यूं पहली कांग्रेस के खिलाफ आ लारले चुनाव में बार सगड़ा ने भाजपा ज्वाइन करा दी, क्यों सगड़ा के सगड़ा भाजपा में जाता रहा, ये तो पहली मांग सागे को नहीं आ। और भी दिन ज्योति जी मिर्जा बात कही कि चेतन डूडी झूठ बोल रहा था, रूपाराम जी डूडी गलत या झूठ बात बोल के गए। मैंने 1 तारीख को यह बात कही कालवा में, मैंने कहा अगर मैं झूठ बोल रहा था इसका जवाब दे दे मात्र कि 5 जगह का पानी केराप में डीडवाना से मिलना था, उसका उद्घाटन जायल क्यों, वो टैंक डीडवाना में केराप में बना तो आप ये क्यों बोल के गए कि वो प्रोग्राम जायल में होना चाहिए था, उसका जवाब आज दिन तक ज्योति जी मिर्जा दे नहीं पाई और आगे दे भी नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने उस पानी की स्कीम का विरोध किया था। जब रिजर्वेयर और टैंक केराप में बनना है तो जायल में प्रोग्राम सोनिया गांधी का क्यों रखा गया था, मुझे आज दिन तक समझ नहीं आता। तमाम सारी बातें आपके सामने, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी वक्त काफी लग गया, दौरा बहुत लंबा है। इस चुनाव में पूरी ताकत लगानी है, पूरी मेहनत करनी है। मुझसे अगर कोई गलती होगी तो उसकी सजा आप लोग मुझे दे चुके हैं, लेकिन इस आने वाले चुनाव में हमारी किसानी के लिए, हमारी कौम के लिए हम सबको मिलकर काम करना है, खेती करने वाले लोगों के लिए काम करना है, गरीब के लिए काम करना है, और हनुमान जी बेनीवाल को डीडवाना में सबसे ज्यादा मतों से जिता के भेजना है। कहीं कोई नाराजगी हो मुझसे हो तो आप लोगों में से कोई भी मुझे इतला करे, मैं आपसे आके मिल लूंगा। आपस में अगर बैठ के कोई निपटा रहा हो तो आपस में करें। अब मैं निवेदन करूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल को कि आप सबको, आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, बहुत सारा साधु। दौलतपुरा में सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना भव्य स्वागत किया, और मुझे तो लग रहा है ये क्या क्या लग रहा है आपने जेसीबी और करें जेसीबी हाइड्रो, इनके चक्कर में भजन लाल का दौरा ही रद्द हो गया डर के मारे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये दौलपुरा भजनलाल जी डरे ज्यादा है। उपस्थित आपने जो स्वागत सत्कार का, इसके हृदय से आपका आभार। छोटे भाई लोकप्रिय आपके विधायक रहे, लंबा संघर्ष किया डीडवाना को जिला बनाने के अंदर, जिनकी भूमिका रही चेतन डूडी जी,
सरपंच साहब राजवीर जी, छोटे भाई मनीष जी मिर्जा, सम्मानित मंच इंदिरा बावरी जी और मुंडवा के हमारे चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, मुझे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, भाइयों 14 से लेकर 24 तीसरा चुनाव है लोकसभा का, 14 में भी इस गांव से मुझे आपने आशीर्वाद दिया था और 19 के अंदर जबरदस्त सिलसिला के साथ आशीर्वाद मिला और 24 में 19 में मुझे याद है कुछ मुस्लिम समाज एससी के समाज के लोगों ने ये कहा था कि हनुमान जी थे आदमी तो बढ़िया हो बढ़ते हो बीजेपी वालों गठबंधन गलत कर लियो, जब कांग्रेस हो जाए तो नहीं करते था भाई को कांग्रेस हो तैयार हो जाओ अगला अगला, क्योंकि गठबंधन मैंने इसलिए तोड़ा था किसान के खिलाफ तीनों काले कानून आए, सेना को ठेके पे दे दिया, पहलवान बेटियां परेशान थी और हमारा मान और सम्मान नहीं था किसानों का, राजस्थान के हकों पे डाका मारा जा रहा था और भाइयों देश में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सबसे नई पार्टी जिसकी थी या तो अकालियों ने सत्ता छोड़ी या नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों के सम्मान में किसानों का साथ दिया, सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर बैठा रहा, उससे मैं आपके डीडवाणा के चेतन जी और ये लोग भी बॉर्डर पर आए थे किसान आंदोलन के अंदर एकमात्र व्यक्ति लेकिन कोई नहीं गया नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल, हजारों लोगों के साथ जंतर मंतर सरकार को सड़कों पर आ जाएंगे और कोई बाहुबली नहीं देश के अंदर, इनको न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को न्याय दिलाया, प्रदेश की सड़कों पे जब आवश्यकता पड़ी चाहे बिजली का मामला हो बजरी का मामला हो टोल मुक्त राजस्थान की बात हो दलितों पर अत्याचार हुए, हनुमान बेनीवाल हमेशा दलित हितों की रखवाली करते हुए आगे की पंक्ति में खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा, आपको छोड़ के नहीं भागा, कोरोना काल के अंदर संकट के समय ज्योति नहीं थी हनुमान आपके बीच था, वो जान की परवाह किए बिना अपने भाइयों को बचा रहा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करा था, चेतन जी की व्यवस्था करा थे, रेमडेसिविर की ICU जितना हम कर सकते सबने मिलकर किया, ज्योति का तो नंबर किसी के पास नहीं, इसका घर का पता नहीं, ये जीत भी गई मिलेगी नहीं पर हार गई तो काम मिलेगी, देख लो हारी नहीं, ये आपको तय करना है, आपको तय करना है कि देश के अंदर सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ज्योति और हनुमान में कौन मजबूत है, अगर ज्योति और बीजेपी के मंत्रियों ने देखा है मोदी जब आता है पार्लियामेंट के अंदर हिम्मत नहीं है, जब तक मंत्री बैठ जाते जब को बैठ के जरूरत देखने लगे सब जगह तब नीचे बैठते मिनिस्टर खड़े रहते, हिम्मत नहीं बीजेपी के नेताओं की कि बिना पूछे कोई सवाल भी डाल दे गलती से, ज्योति का पता ही लगे जीत भी जाए मोदी यूं देख लो ना इधर वही ढेर हो जाए, मैं जाऊं और मुझे आपने देखा है मोदी का बजट रोक दिया था पड़ता हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, लड़ा बाहर आया, हमेशा लड़ा आपके लिए, विश्वास दिलाता हूँ भेज देना, अगर मोदी और अमित शाह देख के दंग नहीं रहते अरे क्या हो गया ना को फिर आ गया मूंग दलने के लिए हमारी, तो आप मुझे भेजोगे ऐसा मन आपने बना लिया और डीडवाणा से जो तूफान चलेगा मुझे लग रहा है ये खींवसर तक सुनामी बन जाएगा, कल नावा के अंदर जो जोश था पहले ये डर था कि नावा में थोड़े बहुत पीछे रह सकते हैं, लेकिन कल से जैसे ही विजय सिंह जी की जगह ज्योति की सासू को प्रभारी बनाया वह मामला गड़बड़ हो गया, वो कह रही है कि मैं प्रभारी हूं विजय सिंह जी काम ठीक नहीं कर रहे, ध्यान नहीं था तो कर दिया नहीं तो गांव मार बात भी करे लोग ध्यान रखी जो कोई चक्रम कौन चल ठीक है।
भाइयों बहुत बड़ी खिलाड़ी है वो इंडिया बुल्स के अंदर 1,000 के 1 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया उन्होंने। ये तो सारे के सारे जेल जाएंगे, हार गए जेल जाना तय है, इसलिए हरा दो ताकि वहां भी चले जाए। इतना आपका जनता का पैसा है। कौन जी पर्ची? नहीं वो तो पर्ची सरकार तो भजन लाल है ना, भजन लाल जी तो कुछ भी बोल देते हैं। वहाँ जोधपुर में बोले वो एकदम से क्या हुआ कि ये सिर्फ खाने का काम देखते थे ऑफिस में, भाई कौन आएगा खाना बनाना है नाश्ता, ये धंधा इसके पास था, इन्हें कभी सोचा ही नहीं सीएम बनेगा। तो बोला मेरी रात फ्लैट में नहीं उड़ सकती, तो लोग रात क्या उठे फ्लैट में, क्या मेरी फ्लैट रात में नहीं उड़ सकती, फ्लैट नहीं फ्लाइट, और फ्लाइट उड़ सकती है रात में, भाई क्यों नहीं उड़ सकती, फ्लाइट तो रात में उड़ती। और सरदार जी अटल बिहारी वाजपेयी को और दे दी मोदी को, बोले मैं मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और भैया करना कि अगर रही हो तो 5-6 महीने पक्को काम कर दे बीजेपी को। सच सत अकाल, सच सत अकाल, लोगों का क्या हो गया इस भाई, भाई सत श्री अकाल बोलते हैं, सत श्री अकाल का सच नहीं कह दिया। हाँ वो आजादी का बोल दे, सुनो उसकी बातों का बुरा मत, बच्चे की तरह है बिल्कुल ठीक है। आजकल तो बच्चों को कह दो, बच्चे को कह दे यार ये तो आप तो बिल्कुल भजन लाल के थे, तो बच्चा कह माने भजन लाल की तुलना में तो मैं तो भी हूँ ठीक है। टाबर दुर्भाग्य देखे राजस्थान का, ये भाई भाग्य की बात है, लड़ने वाले लोग संघर्ष करते रहेंगे, कोई बाहर से आएगा जाएगा और उस सत्ता का आनंद लेके भाग जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ डीडवाणा को, आगे डीडवाणा के अंदर केंद्रीय विद्यालय, एमएलए साहब का प्रयास था जमीन दिलाने में, पर्वत सर, खेउस सर और मेड़तर 4 नए केंद्रीय विद्यालय हमारे खुल रहे हैं। अभी इन्होंने ज्योति और इन लोगों ने अभी एक लेटर लिखा कि साहब अभी चुनाव के अंदर इसको मत करो आप 2-3 महीने, वो रुका लेकिन खुल गया। आपको तो पता है मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूँ वो पूरी करके ही मानता हूँ, इसलिए आप निश्चिंत रहें ये सत्र केंद्रीय विद्यालय में आपका चलेगा, डीडवाणा विकास को नई गति देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। पूरा आशीर्वाद रखना रमजान के पवित्र महीने में आप सबको, ईद की भी अग्रिम शुभकामनाएं, होली हमारी गई थी, कायम रहे और सब मेरी मदद करें, धन्यवाद, जय हिंद।